मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और राजमाता विजया राजे सिंधिया की छोटी बेटी यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्वालियर में बड़ा बयान दिया है। यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि आज देश उसी दिशा में जा रहा है जो अम्मा यानी कि राजमाता ने सपना सोचा था। अम्मा यानी कि राजमाता की संघर्ष के दिनों को कभी बुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि संघर्ष के बाद ही फल आता है। आज वो बीजेपी को मिल रहा है। यशोधरा राजे यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि ये भी अगर कोई कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर ले तो बीजेपी आज जहां खड़ी है उससे बड़ी पोजीशन में खड़ी होती है। इतना बड़ा महान भारत फिर से 50 साल के बाद, 60 साल के बाद अब उसी तरह जा रहा है, उसी ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है, उसी टारगेट पे जा रहा है जहां देश को होना चाहिए था। ये अम्मा की इच्छा थी, बहुत ही मतलब संघर्ष के दिन थे। वो संघर्ष के दिन हम नहीं भूल सकते, क्योंकि संघर्ष के बाद फल ही आता है और वो फल आज बीजेपी को मिल रहा है।